दीपावली का त्यौहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक लौटने के लिए धामनगर नगर व्यापारी एकता संगठन ने अनोखी पहल की है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और धार सांसद सावित्री ठाकुर ने स्थानीय बाजार में जाकर खरीदारी की, जिससे उन्होंने लोगों को अपने आसपास के व्यापार को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। सावित्री ठाकुर ने प्रजापत समाज की दुकान से मिट्टी के दिए और अन्य सामग्रियां खरीद कर न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया बल्कि बाजार की रौनक को भी बढ़ाया। उन्होंने बताया, हम सभी को अपने परिवार के साथ स्थानीय बाजार में खरीदारी के लिए निकलना चाहिए। इससे न सिर्फ हम अपने व्यवसायियों का सहयोग करेंगे बल्कि त्यौहार की खुशी भी मनाएंगे। वहीं धामनगर नगर व्यापारी एकता संगठन ने एक विशेष योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन खरीदारी को कम करना और स्थानीय व्यापार को फिर से जीवंत करना है। इस योजना के अंतर्गत 500 से अधिक पंजीकृत व्यापारियों और उनके ग्राहकों के लिए लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। डिजिटल माध्यम से होने वाले लकी ड्रॉ में पंजीकृत व्यापारियों के ग्राहकों को 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर, 5G मोबाइल, LED टीवी, कूलर समेत कुल 511 आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। इस दौरान नगर व्यापारी संघ ने सभी से अपील की है कि वे चाइना के सामान की बजाय स्थानीय उत्पाद खरीदें। इस पहल का उद्देश्य केवल व्यापार को बढ़ावा देना नहीं बल्कि समाज में एकता और भाईचारा भी बढ़ाना है। सुपार योजना के प्रति व्यापारियों में भारी उत्साह है। छोटे और बड़े सभी व्यापारी इस योजना को एक सुनहरा अवसर मान रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि ऑनलाइन खरीदारी के कारण बाजार में जो रौनक समाप्त हो रही थी उस पर काबू पाने के लिए ये योजना आवश्यक है। इस योजना के माध्यम से नगर के सभी वर्गों के व्यापारी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को बाजार की ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और विशेष छूट दी जा रही है। व्यापारियों ने कहा, यदि लोग बाजार में आएंगे तो निश्चित रूप से त्योहारों की रौनक वापस लौटेगी। सांसद जी खरीदने आए हैं, कैबिनेट मंत्री, और हमारे इस बढ़ावे को, हमारी इस मिट्टी के बर्तन को बढ़ावा दिया उन्होंने, और अच्छे से मतलब जो हम चाहते हैं उस हिसाब से हमको बेनिफिट भी मिला है, और हम ये चाहते हैं कि ये बढ़ते रहे और ऐसे ही हमको ये सहयोग करते रहें, और हम इनका बहुत बहुत आभारी रहेंगे कि इसे हमारे मिट्टी के बर्तन को और विदेशी चीज़ों को ठुकरा के मिट्टी के स्वदेशी चीज़ खरीदने के लिए आए हैं, और उनके बहुत बहुत हम आभारी हैं। एक और जहाँ मोदी जी का सपना है डिजिटल पेमेंट का, वहीं केंद्रीय मंत्री द्वारा आज आपका डिजिटल पेमेंट से भी पेमेंट दिया गया और आप भी डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया है डिजिटल, हम भी यही कर रहे हैं। बहुत सारे ग्राहक भी आते हैं और केंद्रीय मंत्री भी आए, उन्होंने भी डिजिटल पैसा करा है, पेमेंट करा है, तो अच्छा है, ये बढ़िया है कि हम सबको किसी न किसी चीज़ से जोड़ के रखें, और हम भी इस चीज़ से जुड़ के रहें कि हमको भी ये व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल होना ही चाहिए। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम है राजेंद्र प्रजापति। कितने सालों से ये काम करते? ये काम करीबन मेरे 40-45 साल से ऊपर हो गया मेरे मम्मी पापा का, और अब हम कर रहे हैं, तो अच्छा है, बढ़िया है। हम तो ये चीज़ को छोड़ेंगे नहीं और बनाते रहेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी ये धरोहर जिंदा रहे। नगर व्यापारी संघ द्वारा एक योजना बनाई गई है जिसके अंतर्गत 511 इनाम रखे गए हैं, और इसमें ई बाइक, अन्य टीवी, मोबाइल इनाम है, और उद्देश्य यह है कार्यक्रम का, इस योजना का, कि ऑनलाइन खरीदी ना करें, अपने परिवार सहित बाज़ार में आए और दामनोद नगर से लोकल में खरीदी करें। इसी तारतम्य में हमारे मंत्री श्री सावित्री जी ठाकुर अपने परिवार सहित बाजार में निकली है, मिट्टी के दिए की खरीदी कर रही, बाजार से खरीदी कर रहे हैं, तो सभी गणमान्य नागरिकों से, धामनोद के आसपास के रहने वाले लोगों से विनम्र निवेदन है कि ऑनलाइन खरीदी ना करें और लोकल से खरीदी करें। आपका पूरा नाम और पद? राकेश पाटीदार, नगर व्यापारी संघ अध्यक्ष, धामनोद। दीपावली का त्यौहार है और हमारे यहाँ के सभी मेरे को जानते भी हैं, स्थानीय भी हूँ, लोगों को लगना चाहिए कि दीदी मंत्री बन गई, ये नहीं दुकान पे नहीं आए, तो आज मेरा पहला, ये तो पहली दीपावली है, तो लोगों के बीच में मेरे को जानती भी है सभी, और हमेशा मैं खुद खरीदती हूँ, आती हूँ, और अधिकतर मेरा खुद का स्वयं का ही बाज़ार में जाती हूँ, और लोगों को ये संदेश जाना चाहिए कि मंत्री भी जाके अपने दुकानों पर खरीदारी करे, लोगों में संदेश ये जाए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है डिजिटल इंडिया, आज वो हमने डिजिटल पेमेंट किया है मैंने, ताकि लोग बाजार में जाए, परिवार के साथ खरीदी करे, उनको कोई डर भय नहीं रहे जो होता है, जो आज प्रधानमंत्री जी ने देश दुनिया में हमारा नंबर 1 देश होने के डिजिटल के मामले में, तो आज हमने पेमेंट भी डिजिटल किया है, और हमेशा ये संदेश देना चाहते हैं कि सब जनप्रतिनिधियों ने ऐसा जाके बाजार में, ताकि लोगों में संदेश जाए कि भले से हम बड़े बन गए,
ताकि लोगों में एक संदेश जाए मेरे माध्यम से कि सभी को जाके स्वयं को खरीद करना चाहिए। मैडम जी, धामनगर से गोलू मेवाड़ी की रिपोर्ट। कृषि अवशिष्ट से करें पर्यावरण की समृद्धि। कपास, काठी, चना, गेहूं एवं सोयाबीन का भूसा, मक्का का डंठल, गन्ने की बगास, लकड़ी का बूरा तथा अन्य फसलों के अवशिष्ट खरीदे जाते हैं। मेवाड़े कृषि फार्म, गोलू मेवाड़े रिपोर्टर, बैगंदा वाले। मोबाइल नंबर 9575119420, 9575119480।